ह्यूमन लाइफ के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, बॉडी एंड माइंड। और हम अपनी स्पेंडिंग्स का 98 या 99% कहूं तो कि हम अपनी बॉडी के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम अपने माइंड पर 1-2% भी स्पेंड नहीं करते हैं। और यही वो माइंड है जो हमारे सक्सेस, हमारी हैप्पीनेस और हमारी ब्लिसफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिम रॉन ने एक बार कहा था कि आर लेवल ऑफ सक्सेस विल सेल्डम एक्सीड आर लेवल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, यानी हमारी कामयाबी हमारी पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर कभी भी छलांग नहीं लगा सकती। यानी जितना हम अपने आप को डेवलप करते हैं वहीं तक हमारी कामयाबी भी सीमित हो जाती है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। हम दो लेवल्स पर चेंज ला सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और हम सदियों से एक्सटर्नल लेवल पर चेंज लाने में लगे हैं। हम अपने अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, हम नई नई स्किल्स को सीख रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना ज्यादा काम करते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं या कितने ट्रेनिंग सेमिनार्स हमने अटेंड कर लिए हैं। यकीन मानना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला जब तक हम इंटरनल सिस्टम को चेंज नहीं करते, यानी कि हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को नहीं बदलते। और जब तक हम ही अपने माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सिर्फ मेरे वर्ड्स पर मत जाओ, जस्ट लुक बैक ओवर योर इयर्स, अपनी लाइफ को एक बार मुड़ करके देखो। हो सकता है कुछ स्मॉल चेंजेस आए हो, लेकिन क्या हम अपनी लाइफ को 10x, 20x, 100x चेंजेस पर, मैसिव ग्रोथ पर ले जा सके? अगर नहीं, तो ये टाइम है अपने आप से सवाल पूछने का, ये टाइम है क्वेश्चन करने का कि क्यों हम अपने माइंड को अनलॉक नहीं कर पा रहे। तो अब ये होगा कैसे? क्या मैं आपको बदलने वाला हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने आपको बदल भी दिया तो ये टेम्पररी होगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खुद को बदला और अगर आप खुद को खुद से बदलते हैं, तो यकीन मानना दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल, आपकी गोल, आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। एक तिजोरी, एक लॉकर, एक सेफ जिसमें बहुत सारा खजाना पड़ा है, लेकिन उस तिजोरी का जो अनलॉक पैटर्न है, जब तक हम उसे नहीं खोलेंगे तब तक हम उस खजाने को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह ये जो तिजोरी है, ये जो हमारा ब्रेन है, इसके अंदर ये जो माइंड है, इसमें अनलिमिटेड पावर्स और अन्यूमरस पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन हम इसको अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे काम करती है, कैसे ब्रेन को रीवायर किया जाता है। हम अपने माइंड को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जिंदगी ठीक उस मोबाइल फोन की तरह हो जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग आती है जब उस पर लॉक या उस पर पैटर्न लगा होता है। तो हम कोई भी अपनी तरफ से आउटगोइंग नहीं कर सकते, हम कोई भी उसकी ऐप को एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट को यूज नहीं कर सकते, कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते। सिर्फ जो कॉल आएगी वही उठानी पड़ती है। उसी तरह जिंदगी में हो रहा है। अगर हम अपनी लाइफ के इस लॉक को नहीं खोल पा रहे हैं तो सिर्फ इनकमिंग आ रही है, जो मिल रहा, हम कह रहे हैं जो जिंदगी दे दे रही है हम ले रहे हैं, जो भाग्य में लिखा है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर उस फोन का लॉक खोल दिया जाए, अगर इंसान के माइंड को अनलॉक कर दिया जाए, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सिर्फ इनकमिंग नहीं, बल्कि हम जिसको चाहें उसको कॉल लगा सकते हैं, यानी जिस चीज तक चाहें हम पहुंच सकते हैं, अगर हम इसके अनलॉक के पैटर्न को समझ लें। तो नाउ द गुड न्यूज इज कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया था री इन्वेंट योरसेल्फ, एक ऐसा वर्कशॉप जहां पर आप पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करते हैं। और इस पूरे दिन में मैं आपको बताता हूं कि हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन, हाउ यू कैन अनलॉक द लेयर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हाउ यू कैन रीवायर योर एनर्जीज, आप अपना पोटेंशियल कैसे पहचान सकते हैं, और फाइनली हाउ यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ। जी हाँ, आप अपने आप को री इन्वेंट करते हैं, दोबारा से खोजते हैं और अपने माइंड की उन लेयर्स तक पहुंचते हैं जो आपकी सक्सेस को, आपकी हैप्पीनेस को आपकी जिंदगी में लेकर के आती हैं। पूरा दिन यहाँ इस वर्कशॉप में आप बिताते हैं मेरे साथ, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। और इस वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो अपने पोटेंशियल, अपने माइंडसेट, अपने बिलीफ सिस्टम और अपने पैराडाइम को शिफ्ट करके जाते हैं, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके जाते हैं। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कोई भी हमें नहीं बदल सकता जब तक हमारा माइंड हमें खुद को बदलने की इजाजत न दे। और यहां पर आप अपने माइंड के उन लेयर्स को अनलॉक करते हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये तभी मुमकिन है जब आप इस तिजोरी का ताला खोल के यहां पड़े हुए खजाने को एक्सेस करें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थिंकर नहीं डूअर बनो, आप सिर्फ सोचो मत, कर्म करने वाले बनो। क्योंकि हो सकता है आपका ये एक निर्णय, आपका स्पेंड किया हुआ ये एक दिन, आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी का एक ऐसा माइलस्टोन बन जाए जहां से आप कभी भी पीछे मुड़ करके ना देखें। तो आपकी आपसे मुलाकात करवाने के लिए मैं आ रहा हूं री इन्वेंट योर सेल्फ लेकर के आपके शहर में। सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, इसलिए हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ही सीट्स अलॉट कर रहे हैं।
तो अभी थिंकर नहीं डूअर बने और नीचे पिन किए हुए कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपनी सीट को अभी के अभी बुक कीजिए, अभी के अभी लॉक कीजिए और हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। और मैं आ रहा हूं आपके शहर में और ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। 7th मार्च दिल्ली, 22nd मार्च जयपुर, 12th अप्रैल इंदौर, अगेन 5th अप्रैल दिल्ली। तो याद रखना कि सीट्स लिमिटेड हैं और टाइम भी। तो आइए री इन्वेंट योरसेल्फ में अपनी लाइफ को एक नया पैराडाइम, एक नई डिमेंशन देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, अपनी लाइफ को री इन्वेंट करने के लिए। और हाँ, अगर आप किसी और की लाइफ में भी ये चेंज लाना चाहते हैं तो ये वर्कशॉप उसे सजेस्ट कीजिए और ये वीडियो उसके साथ शेयर कीजिए ताकि ये उसकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सके और उसकी कामयाबी, उसकी सक्सेस को तेजी से उसके पास पहुंचा सके।